वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है आपकी ईएमटी की क्लास में। और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ओके, उसका फार्मूला हम एक बार देख लेते हैं। अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू, कोई पॉइंट चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। ओके, हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में ही होता है। तो यहाँ पर आर की डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आर के। ओके, यहाँ पर हम इस आर कैप का वैल्यू लिख सकते हैं आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो हमको मिलेगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ओके, यहाँ 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख सकते हैं, जो कि एक कांस्टेंट है, 9 × 10⁻⁹ इसका वैल्यू होता है और यूनिट होता है मीटर पर फेराड। ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यू। ओके, और इससे ही रिलेटेड न्यूमेरिकल आज हमको करना है। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पॉइंट चार्ज 5 नैनोकुलम एंड -2 नैनोकुलम आर लोकेटेड एट 2, 0, 4 एंड -3, 0, 5 एंड फर्स्ट पार्ट डिटरमाइन द फोर्स ऑन 1 नैनोकुलम पॉइंट चार्ज लोकेटेड एट 1, -3, 7 एंड द सेकेंड पार्ट इज फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट 1, -3, 7। तो ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये हम यहाँ पर अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। बी वाला जो पार्ट है मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, तो वो आपको खुद से करना है। हम बात कर रहे हैं बी वाले पार्ट की। ओके, तो वापस से यहाँ पर हमारे पास में ये फार्मूला हमको यूज़ करना है और हम सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि यहाँ पर दो चार्ज है हमारे पास में, एक चार्ज है 5 नैनोकुलम का। ओके, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 1, -3, 7 पे। तो मान लेते हैं ये है R1 वेक्टर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना वो है E1 वेक्टर, और दूसरा चार्ज है -2 नैनोकुलम का और इसके कारण ये R2 वेक्टर हमने कंसिडर किया और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हमने लिखा E2। तो सुपरपोजिशन का क्या मतलब, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर एडिशन ऑफ E1 एंड E2, सिंपल। ओके, तो हम वापस से इस क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम अगर R1 कैलकुलेट करें, जैसे यहाँ पर 5 नैनोकुलम और ये है R1 वेक्टर, इस 5 नैनोकुलम का कोऑर्डिनेट है 2, 0, 4 और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसका कोऑर्डिनेट है 1, -3, 7। तो R1 वेक्टर हमको मिलेगा 1, मतलब जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट, तो होंगे -3 y + 7 z। ओके, यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट्स है उससे हमने पोजीशन वेक्टर बनाया -2 ax
प्लस जीरो ए वाई के प्लस फोर ए जेड के. ओके, इन कोऑर्डिनेट से हमने कोऑर्डिनेट पी पॉइंट का और जहाँ चार्ज रखा है उसका कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन. तो आर वन वैक्टर हमको मिला ए एक्स माइनस टू एक्स इज माइनस ए एक्स, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस थ्री ए वाई, और ये हो जाएगा प्लस थ्री ए जेड के. ओके, इसका मैग्नीट्यूड भी हमको निकाल लेना चाहिए जो कि होगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर. तो हमको मिलेगा वन प्लस नाइन प्लस नाइन, मतलब रूट नाइनटीन. ओके, रूट नाइनटीन. इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ई वन वैक्टर होगा के नाइन इंटू टेन रेस टू पावर नाइन क्यू फाइव इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइन, ये नैनो कूलम में है तो नैनो कूलम का मतलब होता है फाइव इंटू टेन रेस टू पावर नाइन माइनस नाइन डिवाइडेड बाय रूट नाइनटीन का क्यूब इंटू आर वन वैक्टर विच इज़ माइनस ए एक्स के माइनस थ्री ए वाई के प्लस थ्री ए जेड के. ओके, ऐसे ही हम ई टू भी फाइंड कर सकते हैं. ई टू माइनस टू नैनो कूलम के कारण, जिसके कोऑर्डिनेट है माइनस थ्री कॉमा जीरो कॉमा फाइव. और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. हम कलर चेंज कर लेते हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा. ये मान लेते हैं यहाँ पर है, इसको रब कर देते हैं. जस्ट अ मिनट. तो ये है आर टू वैक्टर. ओके, ई टू वैक्टर जो होगा वो होगा नाइन इंटू टेन रेस टू पावर नाइन के क्यू वन. के क्यू का वैल्यू कितना है, माइनस टू इंटू टेन रेस टू पावर माइनस नाइन. यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जब कभी हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो चार्ज को विद पोलारिटी हमको रखना है. ओके, जैसे माइनस टू नैनो कूलम है तो माइनस टू ही रखना है. और आर टू वैक्टर हम यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, वन माइनस माइनस थ्री सो इट विल बी फोर ए एक्स के माइनस थ्री माइनस ज़ीरो सो इट विल बी माइनस थ्री ए वाई के. ओके, और सेवन माइनस फाइव प्लस टू ए जेड के. ओके, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड तो सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस नाइन प्लस फोर सिक्सटीन प्लस फोर विल बिकम ट्वेंटी एंड इट विल बिकम ट्वेंटी नाइन सो रूट ट्वेंटी नाइन स्क्वायर. ओके, तो ई वन ई टू हमको पता चला. फाइनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. ई वेक्टर इज इक्वल टू ई वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर. ये आगे के कैलकुलेशन आपको खुद को करना है. यहाँ पर टेन रेज़ टू पावर माइनस नाइन से टेन रेज़ टू पावर नाइन हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल कर सकते हैं और इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर हमको फाइनल आंसर मिलेगा. मैं फाइनल आंसर आपकी स्क्रीन पर शो करता हूँ, आप एक बार खुद से सॉल्व करके उसे क्रॉस चेक कीजिएगा. आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आपके आंसर्स. और जिस बुक से ये न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं वो बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे रखूँगा. तो और जो भी स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं उसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको और इजीली सारी चीज़ें एक्सेस करने में इजी रहेगा. थैंक यू वेरी मच.